ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि हम लोग कई बार सर्कल ऑफ कंसर्न और एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हम लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। बीते बदले के बाद भी हम सोचते हैं कि अगर सपोज करो कोई मदर है या कोई भाई है, सेंटर पे बहुत ज़्यादा सेवा करता है, तो जब हमें वो सेवा ऑफर की गई तब तो हम नहीं करते, क्योंकि तो हमें लगता है कि वह मुझे ही कहा जा रहा है, मैं कल बलि का बकरा तो नहीं बन रहा सेवा में। सेवा तो घर में भी करते हैं, यहाँ भी आके वही स्थूल काम किया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन जब हम देखते हैं कि दूसरे किसी को आगे रख दिया गया तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, हम भी फिर उसके आगे पीछे घूमने की कोशिश करते हैं कि हमें भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन भाविया फिर नहीं जोड़ते हैं तो उस व्यक्ति के आसपास घूमें, अच्छा तुम्हें क्या कहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया तुमने वहाँ पर, क्या है ये, एक तो सेवा नहीं की और दूसरा पूछ पूछ के उसका भी समय बर्बाद किया और साथ में किसका समय बर्बाद किया। इसलिए समय कम है, अगर मुझे कहा जाता है कि भी रेलवे स्टेशन हम सबको जाना है और कहा जाता है कि उर्मी बहन आप सामान उठाओ, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मुझे पता है कि मेरे से बड़े ने मुझे ये कहा है कि तुम्हें सामान उठाना है, तो हम क्या करेंगे उस समय, ये नहीं सोचेंगे क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी निकलने वाली है तो इसलिए हम सबको क्या करना, सामान उठा के दौड़ना है। तो इसलिए कभी भी सर्कल ऑफ कंसर्न को इतना बड़ा रखो कि बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, जानकी दादी जी ने कभी इधर उधर नहीं, बाबा क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल होना चाहिए। मेरा जगदीश भाई के साथ बहुत संपर्क रहा कि हमारी यूनिवर्सिटी वहीं हुआ करती थी, तो मैं पढ़ने जब जाती थी तो जगदीश भाई बहुत प्यार करते थे, वो कोई भी काम सेवा का कहते थे कि पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते थे, तो जब मैं जाती थी ना तो सीट से उठ के खड़े हो जाते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। तो एक बार जब उनकी तबीयत बहुत थोड़ी सी नाजुक थी तो डॉक्टर एम डी गुप्ता जो लौकिक भाई हैं वही उनके ट्रीटमेंट को देख रहे थे, क्योंकि वो शक्ति नगर में क्लास कर, तो उस समय मैंने लास्ट में जहाँ लोग जाते थे बहुत फ्रीली मिलते थे जगदीश भाई जी से, तो मैंने लास्ट में उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कि देर ना हमारे लिए हो, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब भी बाबा के सामने बैठते हो तो बाबा से पूछा करो कि मेरा यज्ञ में रोल क्या है, आपने मुझे किस लिए चुना है। तो जब बार बार रिमाइंडर बाबा के पास जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ स्पेशल इंट्यूशंस देगा, और वो इंट्यूशन ऐसी होती है कि अगर हम उसको कैच कर लेते हैं तो वंडरफुल, और यदि हम उन चीज़ों को कैच नहीं करते हैं या कैच करने के बाद उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो चीज़ हमें हीरो बना सकती थी वो हमें क्या बना देगी, सीरो बना देगी। जैसे मैं सतीश भाई का आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, जो अपने सतीश भाई है ना मधुबन में गीत लिखते हैं सारे, तो बनाते तो वो साधारण रीति से झट से ही भोजन बनाते थे यज्ञ के अंदर, लेकिन भोजन बनाते बनाते उनको थोड़ा गुनगुनाने की भी आदत थी, तो करते करते यज्ञ में मैं कुछ गीत लिखना शुरू करूँ, तो शुरू में तो अपने हिसाब से गीत उन्होंने लिखे और लिखने के बाद वो अपना अनुभव बताते हैं, इतना ज़्यादा मेरे अंदर में उसका नलका खुल गया गीतों के फ्लो का कि मैं जब नक्की झील के पास तक जाता था और मैं वापस आता था तो मेरे अंदर में गीत तैयार हो जाता था। अब गीत तो तैयार हो गया, आपको पता जब फ्लो थोड़ा आप उसको जॉट डाउन नहीं करें तो वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद ख़त्म भी हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमें बात कही, अच्छा ये बात मुझे समझ में आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, भूल जाते हैं कई बार, फिर हम उसी जगह पे जाते हैं, खड़े होते हैं ना उस जगह पे जाके, तो उससे क्या होता है, जब हम उस जगह पे जाकर खड़े होते हैं तो वो फिर से हमें बात याद आ जाती है। तो वो कहने लगा, करने लगा, जब मैं नक्की झील से घूम करके वापस आता था
तो मैंने क्या किया, जो गीत की लाइनें जो बोल थे मैं अपनी वॉक को छोटा करके आकर के पहले उस गीत को लिख लेता था। पर अब हमें अपने आप से पूछनी, मेहनत हम अपने आप से कहाँ तक करते हैं।